ये है निरुपमा। बेचारी दिन रात ऊपर वाले की पूजा करती है कि उसे एक बेटा नसीब हो जाए। ये इच्छा उसकी हर प्रार्थना में शामिल होती है। और ये प्रौढ़ा है उसकी सास। बस बस बंद कर बहू ये पूजा पाठ, बहुत कर चुकी। मंगल व्रत निर्चलाए काशी और जाने क्या क्या तीज त्योहार, वंश बढ़ना होता तो बिना कुछ। इनकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इनका वंश आगे बढ़ाने के लिए इनके घर को एक चराग नसीब हो जाए। माँ जी, अभी तो सवेरा हुआ है, कम से कम। लो महारानी जी, मैंने ऐसी कौन सी कटार मार दी। ये सुबह सुबह क्या मुंह बना के घूम रही हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर हुआ क्या? साफ साफ क्यों नहीं कह देती बहू कि सास ने जूता मार दिया? आखिर ऐसा मैंने क्या कह दिया जो रोए चली जा रही है? मैं तो तंग आ चुका हूं रोज रोज की इस चकचक से। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है। आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ जी, प्यार करना तो दूर रहा, आप सीधे मुंह बात तक नहीं करते। कई कई रोज हो जाते हैं इस घर में आपके दर्शन तक नहीं होते। कहीं भूले भटके से आप आ भी जाते हैं तो इस तरह से खिंचे खिंचे रहते हैं कि बात करने को डर लगता है। बस बस बंद करो ये नाटक। हे भगवान, अब तो मेरा भी जी घुटने लगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मुझे नजरों से मत गिराइएगा, मुझे इस घुटन की जिंदगी से मुक्ति चाहिए। चल हट। अगर तुझे इन सब चीजों से मुक्ति चाहिए तो तुझे लड़का पैदा करना होगा, और यदि इस बार भी लड़की हुई तो इस नरक में एक मिनट नहीं ठहरूंगा। बाबूजी हमेशा मारते रहते, कभी बाजार से मिठाई भी नहीं दिलाते। माँ आज दादी ने छोटी को थप्पड़ भी मारा। माँ दादी आखिर औरत ही है ना। चलो दादी के पास हो जाके। आज वो देर कर दीजिए। नौटंकी देखने गया था, कहो क्या बात है? मुझे कुछ नहीं ऐसे। ये लड़कियों से क्या तुम उल्टी सीधी बातें करती रहती हो? एक तो ये घर सिर्फ नाम के लिए घर रह गया है, वैसे तो नर्क इससे ज्यादा अच्छा होगा, फिर भी इसे और नर्क न बनाओ तो अच्छा होगा। तुम्हारे मायके से चिट्ठी आई है, लो। आप ही पढ़ लीजिए जी। मुझे बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, तुम ही पढ़ो। ये मन में क्यों पढ़ रही हो, जोर जोर से पढ़ो। भौजी की चिट्ठी है, आपको चरण स्पर्श लिखा है। घर पर सब ठीक ठाक है। भोजी ने लिखा है
भैया हमें विदा कराने आ रहे हैं। एक सच्चे महात्मा आए हैं जी, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। कितनी ही संतानहीन स्त्रियां पुत्रवती हो गई हैं। पूर्ण आशा है उनका आशीर्वाद हमें फलदायक होगा जी। निरुपमा, सृष्टि रचना महात्माओं के हाथ का काम नहीं है, ईश्वर की बात है। हाँ, लेकिन कई महात्माओं में सिद्धि तो होती है। हाँ होती है, पर ऐसे महात्माओं के दर्शन बहुत दुर्लभ है। देखो जी, मैं तो इन महात्माओं के दर्शन करूंगी जी। चली जाना, इसे भी देख लो। सूरज आसमान चढ़ गया और ये है कि इनका पता ही नहीं। अगर सवेरे जल्दी चल दिए होते तो अभी तक पहुंच गए होते। अरे ननद जी, अरे ननद जी, कितनी दुबली हो गई हो तुम। और हाँ, इतनी देर कहाँ रह गए थे? अरे हमारी तीनों बिटिया कहाँ रह गई? अरे वो हमसे मिलने थोड़ी आई हैं, अड्डे से उतरते ही हाट चली गई थी, खेल के आ जाएंगी। मैंने मंगल को बोल दिया है, वो उन्हें लिवा लावेगा। निरुपमा तुम चल के आराम करो, मैं अभी आया। आप कहाँ चले? निरुपमा इतने दिनों बाद आई है, इसको कलाकंद बहुत पसंद है ना, ले आऊं जरा। ननद जी अंदर चल के नहा धो के भोजन कर लो, उसके बाद आपको महात्मा जी से मिलाएंगे। ए ननद जी, कितनी दुबली हो गई हो, तुम्हारे घर वाले भी कितने निर्दयी हैं। गुलाब के फूलों जैसी बेटियां पाकर भी अपने किस्मत को रोते हैं। अगर तुम पे भारी पड़ रहे हो तो हमें दे दो। ए ननद जी कहाँ खो गई? हाँ हाँ भौजी, वो महात्मा जी क्या पास में ही रहते हैं? ओफो, बता दूंगी बाबा, जल्दी क्या है। मेरे तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, इसीलिए तो दर दर फिरती रहती हूँ। मेरी मनोकामना पूरी हो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। महात्मा जी कहीं पास ही रहते हैं ना? हाँ बाबा, बहुत पास रहते हैं, जब कहोगी बुलवा दूंगी। तो क्या महात्मा जी आप लोगों से इतने प्रसन्न हैं? दोनों वक्त भोजन यहीं करते हैं और रहते भी यहीं हैं। तो घर में ही वैद्य है तो मरियो काहे को, मुझे तो उनके दर्शन करवा ही दो भौजी। करवा दूंगी बाबा, करवा दूंगी, लेकिन पहले ये तो बताओ ननद जी कि भेंट क्या दोगी? मैं हुई किस लायक, मैं क्या दे सकती हूँ? ननद जी अपनी सबसे छोटी बेटी दे दो। मजाक करती हो? अच्छा चलो, ये ना सही, कम से कम एक बार उनसे प्रेम आलिंगन तो कर लेने देना। हटो भौजी, ऐसी हंसी करोगी तो मैं चली जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ ननद जी, महात्मा है बहुत रसिया, चूल्हे में जाए कोई दुष्ट होगा। मैं सच कह रही हूँ, उनका आशीर्वाद तो ऐसे ही प्राप्त हो सकता है, वो और कोई भेंट नहीं लेते। लगता है तुम उनकी प्रतिनिधि हो। हाँ, वो सारी बातें मेरे द्वारा ही तय करते हैं, मैं ही उनकी तरफ से भेंट लेती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और उनकी तरफ से भोजन भी मैं ही करती हूँ। तो यूं कही ना भौजी, मुझे बुलाने के लिए ही तुमने ये सारा खेल रचा है। ए ननद जी, मैं तुम्हें एक तरकीब बता दूंगी कि तुम अपने ससुराल में आराम से रहोगी। और अगर फिर लड़की हुई तो?
तो क्या हुआ? कम से कम कुछ दिन तो आराम से रह सकोगी ना। दो चार दिन बाद अपने ससुराल पत्र डाल देना कि महात्मा जी का वरदान प्राप्त हो गया है, फिर देखना। ना ना भौजी, पति से झूठ बोलूं पाप लगेगा मुझे। ननद जी, ऐसे स्वार्थियों के साथ कपट पुण्य होता है। माँ, एक खुशखबरी है, निरुपमा का पत्र आया है। लिखा है महात्मा का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो गया। सच? हाँ माँ। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। मैं तो बार बार कहती थी कि साधु संतों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत है बेटा, बड़ी ताकत है। भगवान, मैं तो अपनी सारी मनोतियां पूरी कर लूंगी, घर में बेटा जन्म लेगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब बैठा बैठा मुंह क्या देख रहा है, जा और बहू को कल ही विदा करा ला। और देख, बेटा होगा, उसे कोई तकलीफ ना हो रास्ते में। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। नमस्ते बेटा, सुहागवती रहे, तेरे भाई बंदीते रहे, मेरी दोनों कहाँ हैं? जी वो तो मामा कह रुक गई, बाद में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तू मैके क्या गई कि हमें तो भूल ही गई, बहुत दिन लगा दिए। सारा घर सुना सुना लगता था, सच ही तो कहा है बिन घर नी घर भूत का डेरा। और देख, आजकल ये सामान भारी मत उठाया कर, तब तो लड़कियों की बात थी, अब लड़का होना है। और हाँ, तेरी नंदों को भी संदेशा भेज दिया है। जा तू अंदर जाके पलंग पे आराम कर, मैं अभी आती हूँ। अरे अरे, उसे रहने दे, मैं ले आऊंगी। इतना आदर तो तब भी नहीं हुआ था जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। सावन की धूप है, फिर तो काली घटा छाएगी। सलाम सरकार। सलाम सरकार। सलाम, बैठो, तुम्हारी ही चर्चा हो रही थी। पाथर पर धूप जमी है सरकार, अच्छा नेक चाहिए। चिंता न करो, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या? अरे जाके पहले डॉक्टर से पूछ के तो आ। देखा ना भाला, मत भागती चली आई। मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लड़की ही है। हम सबकी तकदीर ही ऐसी है। जा रे जा, तू लोग सब जा, तुम्हारे भाग में ऐसा ही लिखा था, तो कहां से पाते। इसकी तो कोख ही खोटी है, अभागन है अभागन। अरे वाह, तभी तो मैं कहूं कि महारानी जी कहां हैं? और ये अभागिन, इस घर में इतनी सरसों नहीं है जिसके तेल मालिश हो। माँ जी, बेचारी इस बच्ची का क्या कसूर है?
बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन ये तो राक्षसी है राक्षसी। नमस्ते माँ जी। पाए लागू सुहाग बना रहे। पाए लागू खुश रहो बेटा। और माँ जी ये राक्षसी कौन है? ननद जी हमें तो यकीन ही नहीं होता कि ये लड़की कैसे पैदा हो गई। जरूर कोई खोट रह गई होगी। क्यों माँ जी? अरे बेटा उस धूर्त महात्मा ने तो हमें धोखा दे दिया। अब क्या बताऊं? मेरे भाग में ही नहीं था। नहीं तो भाग्य कैसा? तुमने जरूर महात्मा का कहा हुआ भुला दिया होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ अपने मुंह से कहे और वो पूरा ना हो। तुमने मंगल का व्रत रखा था ना? बराबर, कोई व्रत भी नहीं छोड़ा। एक व्रत भी नहीं छोड़ा? तो अरे हाँ, मंगल को 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाती थी कि नहीं? भोजन ये तो उन्होंने नहीं कहा था। अरे ननद जी यही तो चूक हो गई ना। अरे माँ जी महात्मा ने मेरे सामने ये बात कही थी। लेकिन ननद जी तुमने सोचा होगा कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है, लेकिन ये नहीं सोचा कि कोई भी अनुष्ठान तब तक सफल नहीं होता जब तक उसका विधिवत पालन न किया जाए। क्यों माँ जी? इसने कभी कहा ही नहीं, नहीं तो मैं 5 ब्राह्मण छोड़ 10 को खिला देती। तू तो जानती ही है बेटा इस घर में एक पोते के सिवा और किसी चीज की कमी नहीं। और नहीं तो क्या? अरे ननद जी बेटे का मुंह ऐसे ही देखना नसीब नहीं होता है, बड़े बड़े जप तप करने पड़ते हैं। और तुम हो कि एक ही मंगल के व्रत से घबरा गई। अभागिन है बेचारी। और क्या, ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जो याद न रही? ये खुद हमें जलाना चाहती है। वही तो मैं कहूँ कि महात्मा जी की बात कैसे निष्फल हो गई। यहाँ तो 7 वर्ष तक तुलसी मैया की पूजा की है, तब जाके घमंडी हुआ। अरे माँ जी जो हुआ सो हुआ, कल मंगल है और हमारी ननद जी कल से ही व्रत रखेंगी और 5 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाएंगी। देखते हैं महात्मा की कही हुई बात कैसे पूरी नहीं होती। व्यर्थ है, सब बेकार जाएगा। भाई साहब आप विद्वान हैं, समझदार हैं, इस तरह दिल छोटा करने से थोड़ी कुछ होगा। अरे बेटा दूध पूत से भी कभी किसी का दिल भरा है? अरे माँ जी ईश्वर ने चाहा तो आपका भी दिल भर जाएगा। इस बार मैं सब याद करा कर ही जाऊंगी, कैसे रहना है, कैसे स्नान करना है, कैसे भोजन करना है, सब लिख दूंगी। और हाँ माँ जी आपसे बहुत जल्द इनाम भी लूंगी। अरे बेटी सोने चांदी से लाद दूंगी। अरे बहू खुशखबरी छुपाना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो रात ही सपना आ गया था, बजरंग बली ने दर्शन दिए थे और इस बार तो महात्मा जी का भी आशीर्वाद है। माँ जी बहू रानी मेरी बात कभी झूठी नहीं होती, इस बार बड़ी होशियारी से काम लेना। और धोती भी बदल लिया कर, मैं घमंडी से कहकर बहुत सी धोतियां मंगा दूंगी। दिन भर एक ही धोती पहनकर मत रहा कर और खाने पीने का जो भी कुछ मन करे मुझे बता दिया कर, नहीं तो मेरे पोते राजा के लाड टपकेगी। माँ जी मैंने भी आज एक स्वप्न देखा, एक वृद्धा स्त्री ने आकर मुझे नारियल दिया और जाते ही बोली तुम्हें दिए जाती हूँ। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था माँ जी। मेरा तो आजकल खूब गाना सुनने और तालाब में नहाने को मन होता है माँ जी, हरदम नशा सा छाया रहता है। बहू ये तो बड़े शुभ लक्षण हैं। अरे घमंडी, ओ घमंडी
मैं बुलाती हूँ। घमंडी हो जी, वो गरीब भिखारियों को दान देने के लिए अनाज की बोरियां रखा दी हैं। और हाँ, वो मेहरी तो सोने की नथ मांग रही है। सब दे देंगे, घर में कुल का चिराग आ रहा है। भैया अब तो बड़ी तैयारी की है, लगता है पोते का मुंह देखोगे। अरे क्या लड़की और क्या लड़का, सब ईश्वर की देन है। तो नहीं है भैया कोई बात नहीं, तैयार है सब तैयार है। और पूरी के लिए आटा सब फिट, घी फिट है, कौनो जरूरत हो बता दियो। अच्छा तुम तो है ना, कोई कमी न रहे। हाँ, और बहुत चौकस सामान बनाए सब भैया। हाँ। चौकस बनी। घमंडी जी, जरा हलवाई से कहो जल्दी हाथ चलावे। हैं? अभी देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। सुनो, फिर से लड़की पैदा हुई है। फिर लड़की हुई। मेरा क्या दोष है? सास ससुर का भय नहीं, लेकिन स्वामी शायद फिर मेरा मुंह ना देखेंगे। हे ईश्वर, अब तुम ही मेरी बेटियों के पिता हो, तुम ही इनके रक्षक हो। मैं तो अब जाती हूँ। देखते रहिए हमारा चैनल सुनील बत्ता फिल्म्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, क्योंकि बहुत कुछ अभी है जो आप तक पहुंचने वाला है।